मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे बैठे हूँ सब कुछ लुटा, बैठे हूँ सब कुछ लुटा। चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही। आज आधी आजादी मिली है मालिक, अपनी मर्जी से जीने की। अब मैं जी के दिखाऊंगी। जी तो पहले भी रहते हम। पहले मोहताज थे मालिक, और मोहताजी की जिंदगी में हाथ फैलाना पड़ता है, और खुद मुख्तारी की जिंदगी में हाथ उठाना पड़ता है। किसपे हाथ उठाएगी? जो मेरे रास्ते में आएगा। अब मैं बताऊंगी, मैं फिरोजा, जिसे रास आ जाए वो अमीर, और जिसे रास ना आए वो उन जैसा फकीर। अब हर दिन का उजाला मेरे नसीब को चमकाएगा, देखना। देख तो मैं रहा हूं और सोच भी रहा हूं। तुम्हें भी सोच आती है मालिक? क्यों, मैं इंसान नहीं? हो सकता है कि अब इंसान बन जाओ, क्योंकि अब तक तो तुम गुलाम थे। माँ बाप की खिदमत करना गुलामी नहीं होती, उनकी दुआओं से ही बंदे को जिंदगी में कामयाबियां मिलती हैं। लेकिन अब तेरा नसीब मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा है मालिक, जो मैं कहती हूं बस वो करते जाओ। और देखो, घर में दीवार हो गई, हिस्से हो गए जायदाद के, अलग कर लिया सबसे अपने आप को सिर्फ तेरी खुशी के लिए। अब ये ना कहना कि माँ बाप की दुआएं लेना छोड़ दे मालिक। छोड़ना पड़ेगा मालिक, क्योंकि हमें आगे जाना है, और दुआएं लेने के लिए पलटना पड़ेगा। और याद रखना, जो लोग बार बार पलट के अपने माजी में देखते हैं उनका हाल बेहाल हो जाता है। लो, सही कर दिया चूल्हा, ये भी नहीं हो रहा था तुमसे। इतना काम तो करता हूँ, अब चूल्हा तो नहीं ठीक कर सकता ना औरत। दुनिया की औरतें चांद पे पहुंच गई हैं और तुम चूल्हे में फंसी हो अभी तक। चांद पे जाने के लिए चूल्हा ठीक करना पड़ता? नहीं, इन दोनों कामों के लिए अकल का इस्तेमाल करना जरूरी है, जो तुम्हारे में कम है। तुम छोड़ो यार, मैं किचन खुद संभालूंगा, तुम छोड़ दो बस। आपको खाना बनाना आता? यार मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है कि मैं चीजें खुद लेके आऊंगा, क्योंकि पैसे और चीजें इनका संभालने का सलीका तुम्हारे में नहीं है। इतना सलीका तो है मेरे को, कल देखा था ना कितना मजे का खाना बनाया था। ठीक है, बनाओ, मैं जा रहा हूँ, शाम को ले आऊंगा भेटिया। और दोपहर का खाना? दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा मैं। और मैं भूखा रहूंगा। भूखी क्या मतलब, 1 किलो गोश्त बनाया था कल, इतना सारा बचा हुआ था, किधर गया वो? मैं खा गया। 1 किलो गोश्त खा गई? क्योंकि तुम पठान हो? नहीं, क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं है, इतना गर्मी में खराब हो जाता ना, इसलिए मैं खा गया। कोकी के पास रखवा देना था तुमने। उनका फ्रिज तो भाभी नहीं ले गई। तुम्हारे भाई के पास रखवा देती अगर बहुत जरूरी था तो। उनके पास भी फ्रिज है,
यार वो लेके आया दुकान से अपना पुराना फ्रिज। दुकानदार होने का कितना फायदा, क्लर्क होने का तो कोई फायदा नहीं। बेवकूफ बीवी होने का भी कोई फायदा नहीं। शाइस्ता बीवी का तो है। मैं जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊंगा। मेरे को तो भूख लगता। मेरा सर खा रही है पिछले एक घंटे से, काफी नहीं है? नहीं नहीं मेरे को भूख लगता, मैं क्या खाएगा? ऐसा करो तुम मम्मी के घर जाके कुछ खा लेना। नहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए नान पकौड़े लेके आता हूँ, वो खाना। ज्यादा सारे लाना, चीनी भी खत्म है, और दही भी लेके आना, और पकौड़ों के साथ चटनी भी। ओए मालक जी। है भाई जा यार मेरे लिए एक कप चाय पकड़ के ला, घर से पी लेनी थी ना। यार तुझे अच्छा भला पता है मेरी शुरू से आदत है, जब दुकान पे आता हूँ तो चाय जरूर पीता हूँ। क्या मेरा पुत्र चाय लेके आ, मलाई ज्यादा डलवा लेंगे। एक मिनट उठे मेरी बात। क्या बात? उठे यहाँ से, उठेंगे तो बताऊंगा ना। उठे बेटा यहाँ बात कर ले। और मेरे साथ आए, उठे यहाँ से, उठे। इधर आए। खैर है, इधर तो आए। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें आप, आप दुकान पे क्या लेने हैं? लेदर्स। ये बात तो दुकान पे भी पूछ सकता था पुत्री। वहां पूछता ना तो लोगों ने सुनना था। बताए ना मुझे क्या लेने आए हैं आप वहाँ? लेना क्या है, घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो दुकान पे चल के बैठते हैं, बड़ी बाजार की रौनक ही देख लेते हैं। ताकि उस दुकान पे भी कोई कब्जा कर ले। अब्बा जी आपने अपनी दुकान तो गवा दी है, ये दुकान मेरा वाहद सहारा है, ये भी गवाना चाहते हैं आप? आप आराम से घर तशरीफ रखें। अब अच्छा नहीं लगेगा कि आप दोबारा दुकान पे तशरीफ लाएं तो मैं आपको वहां बैठने ना दूं। लोग क्या कहेंगे, थोड़ी सी इज्जत है बाजार में मेरी। मेरी इज्जत है बस, मेरी कोई इज्जत नहीं। अपनी इज्जत आप गवा बैठे हैं। क्या चाहिए अब्बा जी आपको? खर्चा चाहिए? मेरे हिस्से में जितना आएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको देने की। मेहरबानी करें, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे कि आज के बाद आपने उस दुकान पे नहीं आना। वो दुकान सिर्फ मेरी है, किसी का उस पे कोई हक नहीं, आपका भी नहीं। वेला कुंजे हासे रुस गए सारे सुख अज साडे मुक गए चक्की चले। Oh.
रुल गया असी भुलन हारे भूल गया वांग कखा दे रुल गया जल्दी आ गए इतनी पानी रे क्या तू साई बड़ा चढ़ा हुआ ये ले तो गरम बर्फ नहीं मंगवाई मंगवाती हूँ जब शाम को आपके आने का टाइम आता ना उस वक्त मंगा लेती हूँ खुद सारा दिन गरम पानी पीती हूँ बस अब वो हालात नहीं है ना बचत करती हूँ जरा तू वापस क्यों आ गया कुछ भूल गया था घर तो लड़के को भेज देता कौन से लड़के को तेरे लड़के ने तो मुझे घर भेज दिया क्या घर घर भेज दिया मतलब मतलब ये कि मालिक ने मुझे दुकान से बेदखल कर दिया उसे मुझसे बहुत शिकायतें हैं मैं मल्लेदारों को उधार दे देता हूँ गाहकों को चाय पानी पूछता हूँ खर्चा बहुत करता हूँ मुनाफे में से बचत नहीं होने देता ये सब उसने खुद कहा तेरे से ज़ाहिरा वो ही दुकान पे होता तो उसने ही कहना था कहने लगा अब्बा जी आप घर जाके बैठे अल्लाह अल्लाह करे अल्लाह अल्लाह करे अल्लाह अल्लाह करे तो घर कैसे चलेगा है फातिमा हमने अपने ये हाथ काट के अपने बेटों को दे दिए अब वो इस पे सिक्के रखे या रुपए ये उनकी मर्जी है ना गुलाम ताली इन हाथों ने हमेशा दिया ही है ये हाथ फैलाने के लिए नहीं है नहीं ठीक कहती है मुंह से मांगने से तो मर जाना बेहतर है बस तुम ये समझ लो फातिमा अब ये हाथ ऊपर वाला हाथ नहीं रहा बिजली का बिल आया है इसकी अदायगी करनी है बिल भी आ गया है 8072 रुपए 8072 तकसीम 3 2690 अब भाई 2690 रुपए बनेंगे एक बंदे के आप मुझे अभी दे दें तो फैल से मैं कल ले लूंगा और फिर पता नहीं चक्कर लगेगा ना लगे ले हम कहां से दे दें
तूने अपने अब्बा जी को दुकान से उठा दिया। अम्मी जी दुकान से कब उठाया मैंने? अब्बा जी की सेहत सही नहीं रहती, अब कमजोर हो गए, आराम करने के दिन ना इनके। के आराम करें, आराम कहां से करें हैं? किचन खुद चलाना है, बिल खुद भरने, सारे खर्चे खुद करने, अब्बा जी को तेरे दुकान पे बैठना पड़ेगा। और मैंने कह दिया ना अब्बा जी दुकान पे नहीं बैठेंगे, तो जो कोई खर्चा पानी होगा जो मेरे पास होगा दे दिया करूंगा आप लोग। तो ला दे हमारा हिस्सा, हमने ये बिजली का बिल भरना है। अब्बा जी महीना तो गुजरने दें, अभी तो मेरा अपना हाथ तंग है। अच्छा तो कट जाए बिजली, बिजली वाले इंतजार नहीं करेंगे महीना खत्म होने के। अम्मी जी और कल्ला मैं ही पुत्र हूँ आपका इस घर में, वो बात भी है तो फैल भी है, उनका कोई फर्ज नहीं है, वो सारे फर्ज मैंने ही अदा करने हैं। वो शुजा वो उससे ही कह दे पैसे भेज दे, उसकी तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल सही कहता बेचारा, चल बेटा तू ऐसा कर इस दफा ये बिल तू भर दे, बाद में काट लेना। अच्छा बिल तो मैं दे दूंगा, पर अगर वो इतने पैसे ना बने तो फिर? तो कोई बात नहीं, शुजा पैसे भेजेगा ना, उसमें से हम तुझे दे देंगे। बिजली तो नहीं ना कटनी चाहिए, कि अब्बे पे इतबार नहीं है। ओए अब्बा जी इतबार की गल नहीं है, इधर आप रो रहे हैं मेरी जान को, उधर गा कर रो रहे हैं मेरी जान को, रात को आके करूंगा बात आपसे। इसे पता नहीं प्यू प्यू होता है, आया था हम पे चक्कर चलाने, आप दे दे मेरे पास पैसे नहीं। चाली तारी यार, चाली नब्बे, पांच इधर से इधर आ गया, ये हो गए चाली, चाली ये हो गए और पंजा ये हो गए, नब्बे हो गए। मालिक एक मुलाजिमा का बंदोबस्त करो। मुलाजिमा वो किस लिए? बच्ची संभालने के लिए, अब मैं बच्ची संभालूं या काम करूं? पता है कितनी ख्वारी काटनी पड़ी है दुकान ढूंढने में। और तुमने जो थोड़ा बहुत करना है ना वो घर में ही कर गुर लो। यही तो मसला है ना, थोड़ा बहुत नहीं करना, बहुत ज्यादा करना है। अब मुझे बिजनेस वुमेन बन के दिखाना है सबको, तुम्हारी तरह ये 10-20 रुपए का सौदा करके जिंदगी नहीं गुजारनी। ये तुम जो इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रही हो ये पूरे कैसे होंगे? कर्जा लूंगी ना बैंक से। बैंक से कर्जा? हाँ क्यों? और मैंने सुना था बैंक से कर्जा ले लो ना तो सारी जिंदगी उतरता नहीं है। तुम अब भी सुनी सुनाई बातों के कैदी बने हुए हो, आजादी को महसूस करो, अब हम अपनी मर्जी से जीने लगे हैं। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, पर बैंक में कुछ रखना तो पड़ेगा ना। तो दुकान है ना? अभी तो तुम कह रही थी कि दुकान लब नहीं रही थी। ताड़ी दुकान मालिक। मेरी दुकान? क्यों वो हमारी दुकान नहीं है क्या? अब हमारी है लेकिन वो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ, कल तक मेरे साथ जाना है बैंक। अच्छा अब जाओ कुछ खाने को ले आओ, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं उतनी देर। फातिमा क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दवाई खा ली। अच्छा जी, हेलो सर।
सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी सर। जी जी बोले। सर वो आपको पता है कि फिल्म का मेरा काफी काम हो गया है, सिर्फ दो दिन का ही रह गया है, वो मैं करवा दूंगा बहुत जल्दी। वो बैलेंस अमाउंट मेरा मतलब ये कि सर वो 50% पैसे मिल जाते तो मैं सारे नहीं मांग रहा, सिर्फ 50%। बहुत जरूरत है सर प्लीज। शुजा साहब यहाँ पे जिसे पहली दफा चांस मिलता है उसे फाइनेंस नहीं मिलता। और भाई तो मजबूरी थी तो तुम्हें 8 लाख रुपए में साइन कर दिया। भाई सिफारिश जो बहुत हुई थी पर अब मुश्किल है। और तुम्हें तो पता है कि फिल्म जब एंड पे पहुंचती है तो सबसे ज्यादा जरूरतमंद तो प्रोड्यूसर होता है। इस वजह से बाकी के पैसे भी तुम्हें फिल्म की रिलीज पर ही मिलेंगे या फिर रिलीज के बाद। जी सर। और मेहरबानी करना अब दोबारा मुझे फोन मत करना। जी अल्लाह। सब खैर है ना? हाँ यार। भाई गुड। ये गोटी बच्चा ला मर जाएगा तू यार ही चल। वेरी गुड 1 2 3 4 ये बात। चल ना बारी ले। किसी को ले? चलेगी यार। बजने दे। मेरे नंबर पे करेगी? आने दे। ले कर दी। नहीं। अच्छा नहीं लगता यार। क्या कुछ नहीं किया उसने तेरे लिए, जीरो से हीरो बना दिया तुझे। चल अब सुन क्या कहती है। हेलो। उसे कहना फोन सुनने के लिए होता है। नहीं नहीं वो एक्चुअली बाथरूम में। ऐसा बोलने के लिए उसने कहा है? नहीं ये मैंने खुद से बोला है। उसे मैसेज दे देना मेरी तरफ से कि काशी से जाके अपना चेक ले ले। ओके ओके अल्लाह हाफिज। अब तो पैसे आ रहे हैं भाई। ये सब क्या है माची? तू पूछ रहा? मेरे पीछे आपने घर पे दीवार कर दी। गलतियों पे गलतियां कर दी हैं। बच्चों को अपना सब कुछ समझा, उनसे उम्मीदें बांध ले, अपनी सारी जमा पूंजी उनके हवाले कर दी। ये गलती की हम और ये आपके पैर को क्या हुआ? जोड़ों का दर्द है। लाइन में अरे हो दवा खाई है? क्यों माच खत्म हो गई? माची मालिक से कह देती हूँ आवाज को कह देना था या आपने मुझे फोन कर देना था। जी आप घर पे रोजी होता तो फिर ठीक है आपकी, आपने दुकान पे जाना छोड़ दिया। मालिक ने दुकान अपने नाम करा ली है, उसे मेरा वहां बैठना गवारा नहीं। और आप एक काम करें, आप ना अब्बास को कहें, मालिक से कहें, वो भी कुछ करे, मैं भी जो मेरे हिस्से में आएगा मैं कर दूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं है अब्बास और मालिक ने क्या किया है। तो फिर
घर का खर्चा कैसे चलता है? मल्ले वाले हैं ना, तुम अपनी बताओ तुम कैसे आए? कर्जा वापस करना है, मुझे तो पता है कि पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है। खैर तुझे अच्छी तरह पता है आयशा की शादी में जितने पैसे लिए थे उस सारे वो जी, मैं ये देने आया था। क्या है ये? पैसे हैं बस। कौन से पैसे? खर्चे के पैसे जो मैं हर महीने देता हूँ। बेटा अब तुम इस घर में नहीं रहते इसलिए ये घर तुम्हारा नहीं है, ये खर्चा अपने घर जाके दो। ओ ना पाजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरा फर्ज है आपकी कफालत करना। 3 महीने बाद याद आ गया तुझे है फर्ज अपना? नहीं माँ जी, मुझे याद था, बिल्कुल याद था, लेकिन वो कम काज में टाइम नहीं मिला। ये रखना है। अपनी माँ का जवाब सुन लिया तूने? चल उठा ये पैसे और जा अपने घर। आप तो बादशाह लोग हैं, मेरे साथ ऐसा ना करें। तो क्या करें? धक्के देकर बाहर निकाल दें? और नहीं नहीं मालूम आप पैसे बड़े आप कम किया करें, जितने कहेंगे ट्रांसफर कर देंगे। और मैं एक काम करता हूँ, आपकी भाभी को कहता हूँ फौरन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। अब्बा जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो खुद कितना सख्त परेशान हूँ, यकीन करें कहीं से पेमेंट आ ही नहीं रही। रख लेना कुछ, वो आपका लाडला पुत्र शुजा वो भी तो आजकल बहुत कमा रहा है। वो यही तो वक्त होता है औलाद का, अपने बाप के मोटे के साथ मोटा लगाए पड़ जाए उसका, वो तुम कह रहे हो। वो रख लेती हैं आपकी, रख लेना।
क्वेश्चन ही अलग कर लिए। जानती थी कैसा ही होगा। क्या जानती थी? यही कि जिस दिन हम लोग उस घर से बाहर निकलेंगे ये लोग तुम्हारा हिस्सा खा जाएंगे। कितनी बार तुमसे कहा था कि अपना हिस्सा मांगो लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब्बास और मालिक ने अच्छा नहीं किया। तो पता चल रहा है ना तुम्हें? क्या? यही कि मालिक और अब्बास ने तुम्हारे हिस्से पर कब्जा करके अच्छा नहीं किया। उन्होंने मेरे माँ बाप से अलहदा होके अच्छा नहीं किया। और ये रास्ता उनको मैंने दिखाया। वो दोनों करोड़ों की जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा खा गए और अभी भी तुम्हें अपने माँ बाप की पड़ी है। लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुमने बात की थी उनसे? हाँ, जाहिर है सलाम करने गया था तो बात तो करना थी। किसकी बात कर रहे हो? अपनी माँ की, अपने अब्बाजी की। अल्लाह, पहले तुम्हारा क्या करूं? तुम किस दुनिया में रहते हो? तुम्हें मालिक और अब्बास से बात करनी चाहिए थी ना। क्या बात करता मैं उनसे? हालत में देख के मैं इतना परेशान हो गया कि बस चुपचाप वापस आ गया। तो कोई बात नहीं, फिर चलते हैं। बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और वहां जाके उनसे साफ साफ बात करते हैं। क्या बात करना चाहती हो तुम? यही कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे। नहीं, कभी नहीं। तुम घर में अपना हिस्सा छोड़ दोगे? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? लेकिन मैं शर्मिंदा हूं अपने माँ बाप को उस हालत में देखकर। पानी पानी हो गया हूं मैं। किस तरह जिंदगी गुजारते होंगे? घर का खर्चा कैसे चलाते होंगे? मेरी माँ के पास दवा के पैसे नहीं थे। मैंने पैसे देने की कोशिश की तो ये देने आया था। पैसे हैं बस। कौन से पैसे? खर्चे के पैसे जो मैं हर महीने देता हूँ। बेटा, अब तुम इस घर में नहीं रहते इसलिए ये घर तुम्हारा नहीं है। ये खर्चा अपने घर जाके दो। ना बच्ची, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे रहते हैं, मेरा फर्ज है आपकी कफालत करना। 3 महीने बाद याद आ गया तुझे? है फर्ज अपना? नहीं माँ जी, मुझे याद था, बिल्कुल याद था, लेकिन वो कम काज पे टाइम नहीं मिला। ये रखना है। मुझसे लिए ही नहीं उन्होंने, नफरत से कहा ले जा। दुख हुआ है मुझे, तकलीफ हुई है मुझे। मुझसे तुम जरा जरा से खर्चे पर लड़ते हो लेकिन वहां देने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास। और मेरे माँ पी हुए हैं, वो माँ बाप है मेरे। और मैं तुम्हारी बीवी हूं, हक है मेरा तुम्हारी कमाई पर। मेरी वजह से बना ये घर, फिर निकाल कर लाई तुम्हें उस मोहल्ले से। ठीक कहती हो तुम, तू ही निकाल के लाई है मुझे। देखो तो फिर मैं अभी भी ठीक कह रही हूँ। अपने भाइयों को जायदाद में से हिस्सा मत खाने दो। इसी वक्त चलो और अपने हिस्से का मुतालबा करो। नहीं ना, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा।
अपने माँ बाप की जिंदगी में ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे माँ बाप सड़क पे आ जाएंगे। क्यों सड़क पर आ जाएंगे? अरे भाई रह ले के अपने किसी भी बेटे के साथ। ऐसी बात है ना तो नकीना वो बेटा मैं हूंगा। मैं अगर आज के बाद तूने मुझे हिस्सा मांगने पर मजबूर किया ना तो अपने माँ बाप को मैं यहां लेके आऊंगा।